चलो चलो भाई आ गया आ गया मेहता साहब। अरे मेहता साहब ये क्या टिफिन क्यों साथ में लेके आए? अरे अरे यार आदत में पड़ा हुआ है ना लैपटॉप टिफिन एक साथ उठाना, तो ये भी आ गया। लाओ पेन ड्राइव लाओ, जरा चेक कर ले क्या है उसमें। मैं अभी भी कह रहा हूँ इसमें कुछ नहीं होगा, हम लोग बेकार में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। पोपटलाल मैं इतना परिश्रम करके नीचे से लैपटॉप ले आया हूँ, पेन ड्राइव तुम्हारे पास है तो चेक करने में हर्ज क्या यार, दो ना यार। लाओ पेन ड्राइव लाओ, ये लीजिए। मेरी बात सुनो, ये पेन ड्राइव में वायरस हुआ तो आपके लैपटॉप का डेटा उड़ जाएगा। अरे यार ये तुम भी डरा देते हो यार, इतना जोर से चल रहा है पता नहीं जैसे कोई बम फट गया हो यार। अरे मेरे लैपटॉप में एंटीवायरस है, कुछ नहीं होगा। फिर ठीक है, कमाल है। कौन मुझे क्या पता। हेलो पोपटलाल, कैसे हो? पोपटलाल को जानता है तो मैं क्या करूं? मैं ठीक हूँ भाई, तुम कौन हो? पोपटलाल ये वीडियो कॉल नहीं चल रहा है, पेन ड्राइव में रिकॉर्डेड वीडियो है ये। अरे हाँ सॉरी सॉरी। सुनो सुनो पोपटलाल, मेरे पास तुम्हारे और गोकुलधाम वालों के लिए एक अमूल्य संदेश है। मैं कौन हूँ, क्या हूँ, क्यों हूँ, ये संदेश इस अजीब तरह से आपको क्यों भेज रहा हूँ, ये सब सवाल आपको हो रहे होंगे, है ना? होने दीजिए, मैं इनके जवाब नहीं दूंगा। आप लोग सिर्फ आम खाइए, गुठलियों की चिंता मत कीजिए, उन्हें गिनना छोड़ दीजिए। मैं आपको आज एक खुशखबरी देने वाला हूँ, मैं मेरी ओर से पोपटलाल को और गोकुलधाम वालों को एक यात्रा करवाना चाहता हूँ, विदेश यात्रा। विदेश यात्रा? ऐसी मजेदार और मस्ती भरी यात्रा जिसका अनुभव आप सबके लिए यादगार बन जाएगा। मैं आप सबको सिंगापुर की ट्रिप कराना चाहता हूँ। सिंगापुर की सिंगापुर? अरे सिंगापुर देश में है, वो विदेश की बात कर रहे हैं। हाँ मतलब वो समुंदर पली खड़े वो हाँ। अरे कैंसल भाई, ये कैंसल, ये किसी ने हमारे साथ मजाक किया, टाइम पास। आपको लग रहा होगा कि मैं मजाक कर रहा हूँ, है ना? पर ये मजाक नहीं है। आप लोग थॉमस कुक ट्रैवल्स के ऑफिस जाइए, वहाँ आपको सब कुछ पता चल जाएगा। फिर से एक बार बता दूं, मैं कौन हूँ, क्या हूँ, क्यों हूँ, ये संदेश इस अजीब तरह से आपको क्यों भेज रहा हूँ, आपको फ्री में विदेश यात्रा क्यों करवा रहा हूँ, ये सब सवाल आपको हो रहे होंगे। जवाब एक ही है, आप लोग सिर्फ आम खाइए, गुठलियों की चिंता मत कीजिए, आप सबकी यात्रा शुभ रहे, सिंगापुर में रूबरू मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय। फ्री में सिंगापुर ट्रिप, क्या बात है। पर मुझे तो अभी भी लग रहा है कि कोई हमारे साथ मजाक कर रहा है। हाँ ये भाई ये मजाक ही है, ऐसा थोड़ी होता है। ये क्या है ये सब भाई, ये आदमी कौन है और ये सब क्यों कर रहा है, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे भी लग रहा है ऐसे फुकट में उगा से कोई विदेश क्यों लेके जाएगा हम सबको, नहीं कहा तो? खरे करा एवी रिटे केवी रिटे ठाए, हाँ मजाक का चोगा। नहीं माना कि ये बात यकीन करने जैसी नहीं है, लेकिन अगर अगर ये बात सच हुई तो। हाँ करेक्ट। कैसी बात कर रहे हो बीड़े मास्टर, कोई किसी को फ्री में सिंगापुर क्यों ले जाएगा? हाँ नहीं नहीं आपकी बात बराबर है आतिफ भाई, लेकिन देखिए क्या है कि एक संदेश ही अगर देना होता तो वो फोन पे भी दे सकता था। करेक्ट। लेकिन कितनी मेहनत की उसने, शूटिंग किया, वीडियो संदेश को वो पेन ड्राइव में ट्रांसफर किया, फिर एक बड़ी सी गाड़ी में छोटी सी पेन ड्राइव भेजी, इतनी मेहनत कौन करता है संदेश भेजने के लिए। तो भीड़े की बात बराबर है, एक बार चेक करने में क्या जाता है। अरे भाई हम लोग आपस में क्यों तर्क वितर्क कर रहे हैं, ये जो भी बंदा था उसने बोला ना कि थॉमस कुक टूर्स एंड ट्रैवल्स के ऑफिस में जाओ वहाँ पता कर लो, तो हम भी जाके पता कर लेते हैं सच क्या है। हाँ
कुछ भी बातें करने से पहले ये कंफर्म करना जरूरी है कि ये बात कितनी सच है। और अगर मजाक निकला तो? अरे पोपट अंकल, अगर मजाक निकला तो लोग ढूंढ निकालेंगे कि किसने मजाक किया है। हाँ। हाँ। और जिसने ये मजाक किया होगा ना, उन्हें तो मैं चाका मारूं। कोई बात नहीं, ऐसे किया उसमें अय्यर गिर गया। इसमें डरने के लिए इतना डरपोक है आप, क्या मतलब ऐसे इस तरह से? एक मिनट अभी मैं आत्माराम तुकाराम भिडे गोकुलधाम सोसाइटी का है। विसर ले तुम्ही असं करे तुम जाओगे तभी तो वो लोग आगे का सब बताएंगे ना। तुम्हें इतना उत्साह तो तुम चले जाओ। मैं तो आ ही रहा हूँ, लेकिन तुमने मेरी बात ठीक से सुनी नहीं पोपटलाल। क्या संदेशा किसके लिए है? पोपटलाल के लिए है ना? तो तुम्हारा ना जरूरी है, तुम्हारे बगैर वो आगे की विगत बताएंगे नहीं ना। सही बात है, बिल्कुल। अगर तुम्हारे बगैर गए तो हमारा पोपट हो जाएगा। कुछ पता ही नहीं चलेगा। अरे ये बात ना, अब पोपटलाल दूसरी बात ये कि अगर ये मजाक भी हुआ तो तुम्हें तो न्यूज़ के लिए एक स्टोरी मिल जाएगी। तो पोपट भाई, यू मस्ट गो। हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ, जाके आते हैं ना भाई। ठीक है। पानी का पानी हो जाएगा। देखिए, मुझे अभी भी ऐसा ही लग रहा है कि ये हमारे साथ किसी ने मजाक किया है। लेकिन फिर भी आप सबको जानने की इतनी उत्सुकता है तो सिर्फ आपकी तसल्ली के लिए मैं आप सबके साथ आने के लिए तैयार हूँ। हम सारे जन मिलके कल चलते हैं। अरे नहीं, सॉरी फ्रेंड्स, क्या है कल ऑफिस में मेरे को बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है तो मैं नहीं आ सकता। सॉरी, मैं भी नहीं आ पाऊंगा। क्या है ना कि कल मेरे बहुत सारे पेशेंट्स की अपॉइंटमेंट है तो मुझे क्लिनिक में रहना पड़ेगा। तो मेहता साहब, आप तो आ रहे हैं ना? अरे भाई जेठालाल, मैं तो नौकरी पेशा आदमी हूँ भाई, और होली का दूसरा दिन, मुझे तो ऑफिस जाना ही पड़ेगा, इसलिए मैं नहीं चल पाऊंगा। चलो कोई बात नहीं, तो ये तय रहा कि मैं, जेठालाल, पोपटलाल और सोडी कल थॉमस कुक टूर्स एंड ट्रेवल्स के ऑफिस में जाएंगे और पता लगाएंगे कि ये माजरा क्या है। ठीक है, फिर आज की ये मीटिंग यही बर्खास्त होती है। चलते हैं। क्या सोच रहे हैं आप? माधवी, मैं ये सोच रहा हूँ कि अपना गोकुलधाम कितना अजीब है। नहीं, यहाँ पे अजीब अजीब टेंशन होता ही रहता है। अभी देखो ना, ये पेन ड्राइव में संदेश आ गया। ओ गरज, समझ में नहीं आ रहा है किसने संदेश भेजा है, क्यों भेजा है। जाओ दे ना, उस अनजान व्यक्ति ने कहा है ना, आप आम खाइए, गुठलियां मत गिनिए। माधवी, हम मिडिल क्लास लोग हैं, हमें गुठलियां गिननी पड़ती है, पता है ना आम क्या भाव बिकता है? मुझे पता है, मतलब आपका टेंशन लेना एकदम जायज है। मा? लेकिन आपने ही पोपट बाबूजी के घर कहा था ना कि उस अनजान व्यक्ति की बात सच हुई तो अच्छा है ना, फ्री में हमें सिंगापुर घूमने को मिलेगा। और मैंने सुना है सिंगापुर मस्त है। नहीं, सुना तो मैंने भी है, सिंगापुर वाकई मस्त है। और जब से संदेश आया ना, मैंने सिंगापुर के बारे में सब पढ़ भी लिया है। वो कार पूरी गोकुलधाम सोसाइटी वहाँ जाएंगे, घूमेंगे, फिरेंगे, मस्त समय की मस्ती करेंगे। हाँ, मजा तो आएगा माधवी, लेकिन ऑन अ सेकंड थॉट जरा ये भी तो सोचो कि कोई ऐसा क्यों करेगा, इतने सारे लोगों को विदेश क्यों लेके जाएगा। अरे पता है कितना खर्चा होगा, जरा प्रैक्टिकली तो सोचो। फिलहाल मैं पॉजिटिव सोच रही हूँ और आप भी पॉजिटिव ही सोचिए। ठीक है, कल अभी सुबह थॉमस कुक टूर्स एंड ट्रेवल्स के ऑफिस जा ही रहे ना, तो वहाँ पे दूध का दूध पानी का पानी हो ही जाएगा। जल्दी से जल्दी जाना सुबह। हाँ, जल्दी जाएंगे। हाँ, नहीं, जल्द से जल्द। तुम कहो तो अभी जाके उनके ऑफिस के बाहर सो जाऊं। और तस नहीं हो, मतलब सुबह ऑफिस खुलते ही चले जाना।
ऐसे दोपहर को 12-1 बजे वगैरह मत जाना, ऐसा कह रही हूँ। नहीं नहीं जल्दी जाएंगे माधवी। जेठालाल तुम ऑफिस में जा रहे हो, पूछताछ करो, थोड़ा डिटेल में पूछ लेना। हाँ, एक एक चीज। हाँ, क्या है कि ट्रेवल कंपनी ने कह दिया कि भाई फ्री सिंगापुर लेके जा रहे हैं और वहाँ कुछ शर्तें लागू, पता चला हमारे पैसे लग गए। नहीं 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 ऐसा तो बिल्कुल नहीं जाएंगे, पैसे कैसे खर्चा कराइए। अरे भाई सुबह सुबह तो नकारात्मक क्यों बोल रहे हैं पीड़े? नकारात्मक कहाँ बोल रहे हो जेठालाल, बराबर बोल रहे हैं। मेहता साहब लिखा होता है शर्तें लागू, आम आदमी नहीं पढ़ सके, इतने छोटे अक्षरों में लिखा होता है शर्तें लागू। अरे मेहता सब तो खाली अंदाजा बांध रहे हैं भाई, ऐसा वो नहीं बोल रहे कि ऐसा होगा ही, है ना? नहीं 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 हाँ फिर ये बात सही है, जेठालाल सही कह रहा। मैंने ये नहीं कहा कि ये ही होगा, मैं कह रहा हूँ कि पूरा डिटेल में पूछ लेना, कहीं ऐसा ना हो। मेहता साहब एक काम करो ना, आप भी हमारे साथ चलो ना, तो क्या अपनी भाषा में आपको जो पूछना है पूछ सकते हैं वहाँ पे। नहीं भाषा क्या मतलब जेठालाल, मेरी कोई अलग भाषा है क्या? नहीं मतलब अंग्रेजी में आपको जो पूछना है पूछ सकते हैं ना ऐसा। ओ जेठालाल तो क्या मैं अंग्रेजी में नहीं पूछ सकता, मुझे अंग्रेजी नहीं आती, मैं आ रहा हूँ ना तुम्हारे साथ, मैं पूछ सकता हूँ। अरे भाई तुम्हारे पूछने में और मेहता सबके पूछने में फर्क है ना भिड़े। कमल क्या क्या फर्क क्या है दोनों में? अभी छोड़ 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 नहीं छोड़ छोड़ क्या बोलो ना, क्या फर्क है बोलो ना तुम, फर्क क्या है? ए सोड़ी आ गया सोड़ी। ओ यारो ओ सोड़ी दी गड्डी आ गई है, जिस जिस सवारी को जाना है सिंगापुर आ जाओ जी गड्डी में आ जाओ। चलो चलो चलो। हाँ एक मिनट, लेकिन पोपट भाई कहाँ है, वो कहाँ रह गए? अरे वो अब ये फिर से घर पे बैठा होगा, फिर से उसे बुलाने जाओ, फिर से वो भाव खाएगा, मुझे नहीं आना है मुझे नहीं आना है, फिर सोड़ी उसको उठा के लेके आएगा। अरे किसी को उठाने की जरूरत नहीं है, मैं आ गया भाई चलो। You know what? I hope कि सिंगापुर जाने की बात ना सच निकले। हाँ सच्ची होगी बबीता जी, सच्ची होगी। देख भिड़े देख, इसको बोलते हैं सकारात्मकता। कितना मस्त बोले बबीता जी, आई होप सिंगापुर जाने की बात सच्ची होगी। I hope ऐसे। Hope अरे छोड़ा जो भी है। ओए ओ मैं तो ताज होगी होगी। ओ चलो यार चलो। चलो ओके ओके ओके। ओ यारो ओ हमारा सिंगापुर जाने का काम फतेह हो। बोले धीरे धीरे भाई चलो चलो पूछते हैं। अरे मैं बीबी कहता हूँ घर वापस चलते हैं, यहाँ किसी से क्या पूछेंगे? मैं पोपटलाल हूँ और मेरे नाम पे सिंगापुर का किसी ने फ्री ट्रिप बुक करवाया है। अरे मेरा सवाल सुन के लोग हंसेंगे मुझ पर। अरे तो हंसने दो ना भाई, हंसना तो सेहत के लिए अच्छा है। क्यों छोटी? हाँ जेठा बोला, ओ मैं तो हमेशा ही हंसता रहता हूँ। छोटी छोटी भाई हम किसी के ऑफिस में आए हैं तो यहाँ पे कहीं पे लिखे हंसना मना है। पूछ भाई पूछ। Excuse me. Yes, please. How can I help you? जी हमें सिंगापुर ट्रिप के बारे में जानकारी चाहिए थी। Sure sir, please come this way. अच्छा, चल। Nikita will help you. Hello sir, have a seat. क्या कर रहे हो पोपटलाल? सीधा जाओ, सीधा जाओ। अरे, आप, ए, 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 Sorry, huh? So, how may I help you? बड़े। देखिए, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी। अरे वो सब अभी बताना छोड़ ना भाई, वो सब बताना जरूरी नहीं है, मेन बात करना है तो। ऐसे कैसे जेठालाल, पहले पहचान तो देनी पड़ेगी ना। पहचान बता के क्या फायदा है भाई, इधर हजारों लोग आते हैं, सबका नाम थोड़ी याद रखते हैं, तो ऐसे मेन बात करना भाई। ना छोटे कुछ नहीं, बाद में बता दो। ओके बेटे जो पूछना है जल्दी पूछ और खत्म कर। हाँ भाई बोलता हूँ बोलता हूँ। देखिए ये है गोल्डन क्रो अवार्ड विनर वरिष्ठ पत्रकार युवा पत्रकार पोपटलाल जी। ये है जेठालाल चंपकलाल गाड़ा जी और ये है रोशन सिंह सोड़ी। हेलो। वन एंड ओनली प्रोप्राइटर ऑफ सोड़ी गैराज। आपकी आपकी कंपनी की कोई भी गड्डी खराब होती है तो प्लीज कॉन्टेक्ट सोड़ी गैराज। थैंक यू।
ओके विल लेट यू नो थैंक यू एक मिनट मैडम हम लोग यहाँ पे सोड़ी के गैरेज की मार्केटिंग करने के लिए नहीं आए तो सिंगापुर की ट्रिप के बारे में जानकारी लेने आए ओके ओके प्लीज हैव अ सीट हाँ मैडम क्या पूछना हाँ देखिए हमें सिंगापुर ट्रिप के बारे में जानकारी चाहिए हमारे पास एक से एक बढ़िया पैकेजेस हैं 5 nights, 6 days, 6 nights, 7 days एंड मेनी मोर आपको कितने दिनों के लिए जाना है पता नहीं नहीं मेरा मतलब है हम ये ट्रिप नहीं करना चाहते कोई हमसे ये ट्रिप करवाना चाहता है नहीं मतलब हम करना चाहते हैं लेकिन हमें ये पता नहीं ना कि जो करवाना चाहता है कि वो वाकई में करवाना चाहता है कि वो ऐसे ही मजाक कर रहा है अरे क्या बोल रहा है भिड़े तू हाँ भिड़ू ऐसे बोल जिससे मैडम जी समझे या एक्चुअली मुझे कुछ समझ में नहीं आया सर देखिए मैं आपको फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ हम ये ट्रिप नहीं करना चाहते कोई हमसे ये ट्रिप करवाना चाहता है लेकिन हम ये ट्रिप करना चाहते हैं लेकिन अभी मालूम नहीं ना कि जो करवाना चाह रहा है वो एक्चुअली भाई क्या तू बात को गोल गोल घुमा रहा है मैडम मैं सीधे सीधे बताता हूँ मैं हम गोरेगांव की गोकुलधाम सोसाइटी से आए हैं कल मेरे लिए एक संदेश आया था कि भाई हमारे लिए कोई सिंगापुर की ट्रिप स्पॉन्सर कर रहा है और हम यहाँ आकर उसके बारे में पूछ सकते हैं तो अभी आप बताइए ऐसा कुछ है ओके लेट मी चेक सर सर आपने आपका क्या नाम बताया था पत्रकार पोपटलाल ओह यस पत्रकार पोपटलाल एंड गोकुलधाम सोसाइटी ग्रुप के लिए तो मार्च एंडिंग में सिंगापुर की पूरी ट्रिप प्लान्ड है क्या आप सिर्फ ये बताइए कि कौन कौन सिंगापुर आ रहा है मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है नहीं हो रहा है तो मत कर भाई ये मजाक ही होगा किसी ने हमारे साथ मजाक किया है ऑन द कॉन्ट्ररी कंडीशन है पोपटलाल जी का आना मस्त है अगर वो नहीं आए तो कोई भी नहीं जा पाएगा क्या ऐसा क्यों आई डोंट नो सर पर जिन्होंने भी ये बुकिंग कराई है ये उनकी शर्त है आई जस्ट कांट हेल्प इट क्या आप बता सकते कि किसने बुकिंग करवाई है आई एम सो सॉरी सर पर जिन्होंने भी ये बुकिंग कराई है उन्होंने अपना नाम बताने से मना किया है देखिए मैडम हम इतने सारे लोग सिंगापुर जाएंगे तो हमें पता तो होना चाहिए ना कि किसने हमारी बुकिंग की है क्या है एग्जैक्टली आई एम सो सॉरी सर पर मैं ये रिवील नहीं कर सकती अरे ऐसे कैसे नहीं बता सकती मैडम भाई बुकिंग हमारे नाम पे है तो हमें तो पता चलना चाहिए ना आई एम एक्सट्रीमली सॉरी सर पर मैं ये नहीं बता सकती अरे भाई कुछ तो बताइए कौन है कहाँ है मेल है फीमेल है कौन बेकार में हमारे लिए इतना खर्चा कर रहा है देखिए सर हम ट्रैवल एजेंट्स हैं हमने सिर्फ टूर ऑर्गेनाइज किया है दैट्स इट तो कैंसिल बाय कैंसिल आप नहीं बताएंगे तो हम नहीं जाएंगे इट्स ओके सर दैट्स योर चॉइस सर किसी ने बहुत प्यार से आपके लिए बुकिंग की है आई थिंक यू शुड गो आई एम सो सॉरी सर आई जस्ट फॉरगॉट टू टेल यू वन थिंग जिन्होंने भी आपके लिए बुकिंग की है ना उन्होंने आपके लिए एक एनवेलप दिया है मैं अभी लेकर आती हूँ अब तो यकीन हो गया ना तो फिर आम खाओ और गुटलियां गिनना छोड़ दो हेलो हाँ करेक्ट है ओए आम खाओ और गुटलियां गिनना छोड़ दो और पैकिंग शुरू कर दो मित्रों यकायक ही आपके लिए और आपके मित्रों के लिए कोई एक इंटरनेशनल टूर स्पॉन्सर कर दे कहे कि आप विदेश यात्रा करके आइए तमाम दोस्त और एक पैसा नहीं लगेगा सब हम देंगे कैसा महसूस होगा भाई आज के जमाने में कोई अचानक आपका भला कर दे अचानक कोई आपको तोहफा भेज दे और बिना किसी स्वार्थ के तो आपको लगेगा कि आखिर ये क्या हो रहा है यही स्थिति इस वक्त गोकुलधाम निवासियों की आखिर ये क्या हो रहा है कौन है जो ये चाहता है कि गोकुलधाम निवासी विदेश यात्रा पे जाए वो भी बिना कोई पैसा खर्च किए पूरा का पूरा खर्चा वो अनजान व्यक्ति उठा रहा है एक आकस्मिक सरप्राइज गिफ्ट आखिर कौन है ये व्यक्ति क्यों कर रहा है ऐसा और सबसे बड़ी चीज क्या इसे सच माना जाएगा या गोकुलधाम निवासी इसे मजाक समझेंगे क्या वो इस अंतरराष्ट्रीय यात्रा पे जाएंगे सिंगापुर जाएंगे या नहीं जाएंगे या फिर सारे प्रकरणों को भूल जाएंगे भाई सवाल इतने सारे हैं लेकिन हर सवाल का जवाब एक ही है सोमवार को देखिएगा जरूर तारक मेहता का उल्टा चश्मा जब देखेंगे तो सारे सवालों के जवाब मिलेंगे आपको आप जाएंगे हंसी की यात्रा पे देखते रहिए हंसते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़